बहुत होशियार बन रहे हैं। उन्हें लगता है मुझे सजा देंगे। मेरे लिए उन्होंने नाइट क्लब छोड़ा है। वो समझते हैं बड़ा एहसान किया उन्होंने मुझ पर। पागल हो गए बाबा जोरा के चक्कर में। तुम्हें पता है वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं इस घर को बेचकर वो मुझे सड़क पर ले आए और मैं दर दर की ठोकरें खाता फिरूं। ये चाहते हैं वो। भूल है उनकी कि ऐसा हो भी सकता है। क्या है यहाँ किसी में हिम्मत जो मुझे यहाँ से निकाले? मुझे कौन निकालता है देखता हूं मैं। बयाज जल्दी इधर आओ। जी साहब। मेरी इजाजत के बगैर कोई भी इस घर में नहीं आना चाहिए। सुन लिया तुमने? ठीक है साहब। जाओ अब। अब्बास अब्बास इधर आओ। इधर जी कहिए भाई। सुनो, आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर कोई इस घर में नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, जैसे आप कहें। समझ गए ना? कोई नहीं आना चाहिए। अली अली, दादा ने तुम्हें तो सब कुछ दे दिया है, लेकिन एक साजिश की है तुम्हारे और मेरे बीच दरार डालने के लिए। तुम बताओ, तुम मेरे बगैर बिजनेस कर सकते हो? बोलो, जवाब दो। अभी जवाब चाहिए मुझे। या तुम भी साजिश में शामिल हो? बोलोगे कुछ? बाबा, आज के बाद अब कुछ भी इल्लीगल नहीं होगा। क्या कहा तुमने? जो सुना। अब तुम मुझे समझाओगे? अब हम लीगली काम करेंगे। क्या कहा तुमने मुझसे? अब तुम समझाओगे कि क्या करना है? अब तुम समझाओगे बाप का? अब सुने, आपने सबको नुकसान पहुंचाया। आपने वो कुछ किया है जिसका कोई मदावा नहीं, इसलिए आपको कोई हक नहीं कि आप दादा के खिलाफ एक लफ्ज भी जुबान से निकालें। उनके सारे फैसले बिल्कुल ठीक हैं। आपने खुद किया है सब कुछ, सारे हक खुद खोए हैं। समझ गए आप? तो तुम भी शामिल हो इस खेल में? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम भी मुझे इस तरह गलत समझोगे। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारी बातों से हुई, तुम्हारे दादा और जोहरा से, सईद से और तुम्हारी माँ सिरमा से। उन सबसे ज्यादा तकलीफ दी है तुमने मुझे। ये सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का। अंधा भरोसा था मुझे तुम पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पछताओगे तुम। याद रखना, बहुत पछताओगे। जी बोले अली साहब। मुझे कॉफी ला दें। अभी लाती हूं।